हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही न्यूट्रिशियस सब्जी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है बीन्स गाजर आलू की सब्जी। बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने इसको बनाया है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर इसका उभर कर आता है और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इसको आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं, ऑफिस भी इसको आप ले जा सकते हैं, साथ ही आप इसको लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इतनी कलरफुल, टेस्टी, ईजी और न्यूट्रिशियस सब्जी आप कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गाजर बीन्स आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 इंच के टुकड़ों में तीनों सब्जियों को काट कर रखा है। तीनों सब्जियाँ अच्छे से मैंने साफ कर ली थी, तीनों सब्जियाँ कच्ची हैं। एक गाजर ली है, एक बड़े साइज का आलू लिया था कच्चा, और मैंने 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स ली थी। तो ये देखिए, फ्रेंच बीन्स को मैंने अच्छे से धो लिया था और उसके बाद में मैंने इसको 1 इंच के टुकड़ों में काट कर रख लिया है। आप चाहें तो बीन्स को और छोटा भी काट सकते हैं, तो जैसे चाहें आप वैसे सब्जी को काटें। इसके अलावा मैंने एक आलू लिया था कच्चा आलू, बड़े साइज का आलू, इसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है, तो 1 इंच के टुकड़ों में मैंने काटा है। एक मैंने गाजर ली थी, तो ये देखिए इसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है, लगभग 1 इंच का टुकड़ा इसका भी मैंने रखा है। तो तीनों सब्जियों को काटकर इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। आप चाहे तो सब्जी को छोटा भी काट सकते हैं और चाहे तो थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं। अब आइए बनाना शुरू करते हैं सब्जी। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी है। तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने डाला है लगभग 1 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले हींग, जो बहुत अच्छा फ्लेवर देगी इस सब्जी को। इसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे राई और जीरा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आधी चम्मच मैंने इसमें राई ऐड कर दी है। राई हमारी चटकने लगी है, अब इसमें हम ऐड करेंगे आधी चम्मच जीरा। इसके अलावा हमें इसमें डालना होगा हरी मिर्च और अदरक। तो लगभग 3-4 हरी मिर्च मैंने ली थी, इसको बारीक काट लिया है। अदरक लिया है मैंने, लगभग 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको भी मैंने बारीक काट लिया है। तो दोनों चीजों को हम तड़के में ही ऐड कर देंगे। एक बार हम मिक्स करेंगे और सोटे करेंगे ताकि जो अदरक है उसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। इसके बाद में मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली थी, जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया था, तो वो हमें इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए, प्याज को मैंने लंबाई में काटा है। तो सारी सब्जियां हमने लंबाई में काटी हैं, इसलिए प्याज को भी मैंने लंबाई में काटा है। तो बहुत अच्छा टेक्सचर देती है, तो देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसलिए अगर आप सब्जी को लंबा काट रहे हैं तो आप प्याज को भी लंबा काट कर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। और लंबी कटी हुई प्याज का जो फ्लेवर आता है वो अलग ही होता है। तो ये देखिए, प्याज को हमें हल्का भूनना है। और ये देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मैंने प्याज को भून लिया था। और ये देखिए, प्याज हमारी भून चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सब्जियां जो हमने काट कर रखी थी। ये सब्जियां सारी धुली हुई हैं। तो सब्जी को हम ऐड करने के बाद में सब्जियों को अच्छे से सोटे करेंगे हाई फ्लेम पर। लगभग 2 मिनट के लिए आप सब्जी को अच्छे से सोटे कर लीजिए, ताकि तड़के का सारा फ्लेवर सारी सब्जियों में अच्छे से आ जाए। और सब्जियां जब हल्की सी भुन जाती है, हल्की सी कोट हो जाती है तेल से और हल्की सी सिक जाती है, तो सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं सब्जी को हमने अच्छे से सोटे कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो ये देखिए, 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आप बहुत ज्यादा ना ऐड करें। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर रहे हैं रेड चिली पाउडर, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें ऐड कर रहे हैं सूखे धनिये का पाउडर, यानी कि ड्राई कोरिएंडर पाउडर। स्वाद अनुसार नमक आप ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक ऐड किया है। मिक्स करेंगे हम, ताकि सारे मसाले अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मसालों को हमने अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया है। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको हम ढक देंगे लगभग 7 मिनट के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लगभग 7 मिनट हो चुके हैं और बीच में मैंने इसको 1-2 बार और चला दिया था। तो सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है, गाजर भी अच्छे से पक चुकी है, बीन्स भी पक चुकी है और आलू तो बहुत ही जल्दी गलता है। तो सारी सब्जियां काफी पतली कटी हुई हैं, लंबी कटी हैं, इसलिए बहुत जल्दी गलती हैं। तो सब्जियां हमारी गल चुकी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ और चीजें। वैसे तो तड़के में ही हमने सारे मसाले डाल दिए थे, कुछ और डालने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब इसमें हम डालेंगे बहुत एक यूनिक चीज, जिसका नाम है टोमेटो केचप। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप इस सब्जी में थोड़ी सी टोमेटो केचप ऐड करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसमें लगभग 1 टेबलस्पून के करीब टोमेटो केचप ऐड कर दें। बहुत ज्यादा आपको डालने की जरूरत नहीं है, और डालना चाहें तो आप और भी डाल सकते हैं, पर आप जब फर्स्ट टाइम इसको बनाएं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून डालें और उसके बाद में जैसा आपको फ्लेवर ठीक लगे।
तो आप इस उस टोमेटो केचप का फ्लेवर थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, क्वांटिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये देखिए टोमेटो केचप को हमने मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे एक और इंग्रेडिएंट जो इसकी इस सब्जी को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देगा, वो है गरम मसाला पाउडर। तो ये देखिए गरम मसाला पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब। आप चाहें तो गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लगभग आधी चम्मच तक आप ऐड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपको कितनी स्पाइसी अपनी सब्जी बनानी है। तो बहुत ही फ्लेवरफुल सब्जी है और आपने देखा कितनी न्यूट्रिशियस है, काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं इसमें। तड़के में ही हमने काफ़ी चीज़ें इसमें डाली हुई थी, इसमें हींग है, जीरा है, हरी मिर्च का फ्लेवर है, अदरक का फ्लेवर है, टोमेटो केचप का, और साथ ही इसमें सब्जियों का अपना फ्लेवर है, गरम मसाले का फ्लेवर है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूनिक रेसिपी। आप इसको घर में ज़रूर बनाएं, मिक्स कर लीजिए एक बार, और एक मिनट तक आप इसको और मिक्स कर लीजिए आँच पर, बिल्कुल स्लो गैस पे आप मिक्स कर लें, और बस ये हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिफ़िन में आप इसको रखिएगा बच्चों के, अगर बच्चों के लिए बना रहे तो हरी मिर्च मत ऐड करें इसमें, और ऑफिस भी आप इसको ले जा सकते हैं, लंच में, डिनर में आप इसको कभी भी बनाएं। आप चाहें तो इसको रोटी के बीच में रखकर भी आप फोल्ड करके रोल बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, या खुद भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो लास्ट में इसको गार्निश कीजिए हरे धनिए के साथ और इसको आप एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय।